हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है रेस्क्यू। तो पिछले एपिसोड में हमें पावर के पास्ट के बारे में बताया गया था कि फीन्ड बनने के बाद वो जंगल में जानवरों को मारकर उनका खून पिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसे एक बिल्ली मिली जिससे पावर को लगाव हो गया, लेकिन बैड डेविल ने उसकी बिल्ली को किडनैप कर लिया और बदले में पावर से एक इंसान लाने को कहा। पावर बिना देर किए शहर की तरफ भागने लगती है और रास्ते में सोचती है कि एक मामूली बिल्ली के लिए वो इतना परेशान क्यों हो रही है। शायद इसीलिए कि उसे खून पसंद है और गर्म खून से उसे खुशी मिलती है। इसके बाद अपनी बिल्ली को बचाने के लिए पावर डेंजी को बैड डेविल के पास ले जाती है, लेकिन वो डेविल पावर और उसकी बिल्ली दोनों को खा लेता है। अब पावर की आंख खुलती है तो वो और उसकी बिल्ली सही सलामत थे और डेंजी ने उस डेविल को मार दिया था। पावर पूछती है कि डेंजी ने उसे क्यों बचाया, जबकि पावर ने तो उसे मारने की कोशिश की थी। जिस पर डेंजी पावर के ब्रेस्ट की तरफ इशारा करता है कि वो उसे छूना चाहता है। पावर को लगता है कि ये कितना मूर्खता भरा रीजन है, लेकिन क्योंकि उसकी बिल्ली सेफ है तो पावर डेंजी को इसकी परमिशन दे देती है। ये सुनकर डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता अचानक ही एक धमाका होता है और डेंजी का एक हाथ कट कर नीचे गिर जाता है। और तभी यहाँ एक लीच डेविल आ जाती है और डेंजी के हाथ को उठाकर निगल लेती है। पावर हिल नहीं पा रही थी तो वो डेंजी से कहती है कि उसकी बिल्ली को लेकर यहाँ से भाग जाए। डेंजी अपनी पावर कॉर्ड खींचता है पर वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ देर पहले ही डेंजी का काफी ब्लड लॉस हुआ है। लीच डेविल समझ जाती है कि इसी ने बैट डेविल को मारा है और ये असल में बैट डेविल की गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसे डेंजी भी काफी क्यूट लगता है और वो उसे जिंदा छोड़ देने का ऑफर देती है, लेकिन पावर और बिल्ली को मरना होगा। ये सुन डेंजी लीच डेविल से लड़ने को तैयार हो जाता है और डेविल भी उस पर अटैक करने लगती है। पावर सोचती है कि डेंजी कितना मूर्ख है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है सिर्फ उसके ब्रेस्ट छूने के लिए। खैर, डेंजी उस पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन डेविल डेंजी को दूर फेंक देती है और बोलती है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुमने बैड डेविल को कैसे मार दिया। फिर वो बताती है कि उसका और बैड डेविल का एक सपना था कि वो मिलकर पूरी दुनिया के इंसानों को मार देंगे, लेकिन डेंजी ने वो सपना तोड़ दिया। डेंजी भी उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जो कि लीच डेविल को भी बहुत घटिया लगता है। डेंजी अब भागकर डेविल के पास जाता है और उसकी गर्दन पर एक कट मार देता है। इसके बाद डेंजी चिल्लाता है कि कैसे सब उसके सपने का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि उनके खुद के सपने बदला लेना और बिल्ली को बचाना जैसे हैं। अब उन दोनों को एक ड्रीम बैटल करना चाहिए। अगर उसने डेविल को मार दिया मतलब डेविल का सपना कमजोर था। अब दोनों में जमकर लड़ाई होती है। डेंजी कई बार मार खाता है, लेकिन हर बार वो और ज्यादा पागल हो जाता है। आखिर में वो उसके गले को काटने के लिए जंप मारता है, लेकिन डेविल अपनी जीभ डेंजी के आर पार करके उसे पकड़ लेती है और वो डेंजी को खाने ही वाली थी कि यहाँ पर आकी आ जाता है और वो अपने हाथों से कुछ करता है और फिर अचानक ही वहाँ एक फॉक्स डेविल आकर लीच डेविल का सिर काट देता है। इसके बाद फॉक्स डेविल आकी से परमिशन लेता है कि क्या वो लीच डेविल के हेड को निगल सकता है, जिसके लिए आकी हाँ कर देता है। लीच डेविल की मौत हो जाती है और फिर फॉक्स डेविल भी धुएं में कहीं गायब हो जाता है। आकी के साथ कुछ नए डेविल हंटर्स भी थे जिन्हें वो अपने साथ सर्च और रेस्क्यू करने को बोलता है। कुछ देर बाद डेंजी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। आकी उसे बताता है कि उन्हें डेंजी का हाथ मिल गया था और उन्होंने उसे रीअटैच कर दिया है, और क्योंकि डेंजी एक डेविल है तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। डेंजी पूछता है वो फॉक्स डेविल कहां से आया था, जिस पर आकी एक्सप्लेन करता है कि कुछ डेविल हंटर्स डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि दूसरे डेविल्स से लड़ सकें। जैसे डेंजी ने पोचिता से कॉन्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही आकी ने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन फॉक्स डेविल की पावर के बदले में आकी को उसे अपनी बॉडी का कोई पार्ट खाने के लिए देना पड़ता है, और इस बार उसने अपने हाथ की स्किन दी है। लेकिन डेविल हो या फीन्ड, उसका मकसद सिर्फ इंसानों को मारना है। डेंजी बोलता है कि पावर तो ऐसी नहीं है, जिस पर आकी रिवील करता है कि सीसीटीवी की मदद से उन्हें पता चल गया था कि डेंजी और पावर शहर से दूर गए हैं, और फिर बैड डेविल वाले घर के पास डेंजी का खून देखकर उन्हें सब समझ में आ गया कि पावर वहां डेंजी को मारने गई थी, लेकिन फिर भी उसे डेंजी बचा क्यों रहा है। अब डेंजी झूठ बोलते हुए कहता है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। आकी को याद आता है कि कैसे कई लोग चेनसॉ मैन को थैंक यू बोल रहे थे उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो एक आदमी
आदमी उसे गालियां दे रहा था क्योंकि उसने उसकी कार डेविल पर फेंकी थी। आकी डेंजी को बताता है कि अगर उसने माकीमा को सब कुछ सच बता दिया तो पावर तो मारी जाएगी ही, साथ ही तुम भी मारे जाओगे उसे बचाने के चक्कर में। लेकिन क्योंकि आज किसी इंसान की मौत नहीं हुई है तो आकी ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ एक शर्त पर कि डेंजी को आकी की हर बात मानना पड़ेगी। डेंजी इसके लिए राजी हो जाता है और बोलता है कि भले ही मेरे सपने आकी के जितने बड़े नहीं है लेकिन उनके लिए मैं भी उतना ही सीरियस हूँ। इसके बाद आकी हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है जहाँ हिमेनो और पावर उसका वेट कर रहे थे। पावर बोलती है कि डेंजी से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी मासूम हूँ। आकी उसकी हथकड़ी खोलने लगता है और हिमेनो बोलती है कि अगर अब पावर किसी इंसान को मारती है तो इसकी जिम्मेदारी आकी पर होगी। आकी बोलता है कि सभी डेविल्स और फीड उनके दुश्मन है लेकिन अगर वो किसी दूसरे डेविल को मारने में उनके काम आ सकते हैं तो वो उनका यूज जरूर करेंगे, पर वो उनके दोस्त नहीं है। शाम को आकी हेडक्वार्टर में जाकर माकीमा को रिपोर्ट देता है कि पावर और डेंजी गलती से शहर से बाहर चले गए थे जहां उन्हें एक बैट डेविल मिला। डेंजी ने बैट डेविल को मार दिया और फिर लीच डेविल को डिवीजन 4 ने खत्म कर दिया। माकीमा बोलती है कि पावर और डेंजी पेट्रोलिंग एरिया से कुछ ज्यादा ही बाहर चले गए थे, ऐसा करके उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। आकी कहता है कि हम उस गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि कोई इंसान की जान नहीं गई है और उन्होंने दो डेविल्स भी मार गिराए हैं। माकीमा आकी की बात मान लेती है और बोलती है कि आकी अब नरम दिल का हो गया है, शायद उस पर भी डेंजी का असर हुआ है, जिस पर आकी कहता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला। अगली सुबह हम देखते हैं कि आकी बहुत डिसिप्लिन वाला लड़का है, वो टाइम पर उठता है और घर के सारे काम भी टाइम पर ही करता है। वहीं डेंजी भी अब उसके साथ रहते रहते काफी मैनर सीख गया था। आकी जब लंच बना रहा था अचानक उनका दरवाजा कोई जोर से पीटने लगता है और फिर पावर दरवाजा तोड़कर अंदर आती है क्योंकि वो भी अब इनके साथ आकी के घर में रहने वाली थी। आकी को माकीमा का कॉल आता है जो बताती है कि उसने ही पावर को वहां भेजा है ताकि आकी डेंजी के साथ उसका भी ध्यान रख सके। आकी पूछता है कि वो इन सब पागलों को उसके पास ही क्यों भेज रही है, जिस पर माकीमा बताती है कि क्योंकि उसे आकी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। ये सुनकर आकी कुछ नहीं बोलता और मान जाता है। अब लंच के टाइम पावर अपनी प्लेट में सब्जियां देखकर गुस्सा हो जाती है और खाने को फेंकने लगती है। इस पर आकी और डेंजी दोनों उसे डांटने लगते हैं कि उसे खाने को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। पावर को असल में इंसानों की तरह रहना आता ही नहीं था, वो टॉयलेट फ्लश नहीं करती थी और कई दिनों तक तो नहाती भी नहीं थी। और डेंजी और आकी दोनों उसे मैनर्स सिखाने लगते हैं। अब रात को जब डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा था तब पावर उसके पास आकर अपनी ब्रेस्ट की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम हमारी डील भूल गए क्या, तुम अब अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। फिर पावर अंदर आकर बैठ जाती है। ये सुनकर डेंजी के पसीने छूटने लगते हैं। पावर कहती है कि तुम इन्हें सिर्फ 3 बार ही दबा सकते हो, पहला मेरी बिल्ली को बचाने के लिए, दूसरा डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे आकी से बचाने के लिए। शुरू में तो उसने झूठ में ही डेंजी को प्रॉमिस किया था लेकिन डेंजी की मेहनत देखकर पावर इसके लिए मान गई है। वो डेंजी से कहती है कि अब देर किस बात की है, आगे बढ़ो। डेंजी अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मन में सोचता है कि ये तो एक एंजल है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों डेंजी बाकी के मेन कैरेक्टर्स जैसा नहीं है जिन्हें अपना लक्ष्य पूरा करने में 4 सीजन्स लग जाते हैं। डेंजी ने तो 4 एपिसोड में ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। तो क्या सच में डेंजी अपना ये सपना पूरा कर पाएगा और फिर उसके बाद में डेंजी इससे भी बड़ा गोल सेट करेगा, कमेंट करके बताइए। खैर ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो उसके लिए हमारे चैनल वाई पर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।